अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट पर परेशान एमसीक्यूज के चैनल में खुश आमदीद का दौर। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर्वक पहुँचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है जर्नलिस्ट अर्शद शरीफ शूट डेड इन कीनिया ऑन। जो जर्नलिस्ट अर्शद शरीफ हैं जिनको शूट किया गया कीनिया में नैरोबी में, वो किस डेट को किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अर्शद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द पावर प्ले पॉलिटिकल शो ऑन। अर्शद शरीफ जो थे वो पावर प्ले एक सियासी शो करते थे, तो वो किस चैनल पे करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ARY न्यूज पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फैटिफ रिमूव्स पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। पाकिस्तान को फैटिफ ने जो ग्रे लिस्ट से निकाला है, तो कितने साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, तो उसके बाद निकला है, तो उसका करेक्ट आंसर है 4 इयर्स यानी कि 4 साल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड सऊदी अरेबिया ऑन 24 अक्टूबर 2022 टू अटेंड द। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में विजिट किया है 24 अक्टूबर को, तो वो कौन से समिट में के लिए विजिट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्क्वालिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 21 अक्टूबर इन विच केस। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनका नाम इमरान खान है, उनको डिस्क्वालीफाई किया है इलेक्शन कमीशन ने 31 अक्टूबर 2022 को, लेकिन किस केस में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है तोशाखाना रेफरेंस में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फैटिव हैज रिसेंटली रिमूव पाकिस्तान बिकॉज इट हैज एड्रेस डैश एक्शन आइटम इन टोटल। जो पाकिस्तान को फैटिव ने रिमूव किया ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान ने कितने एक्शन अपने टास्क कंप्लीट किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 34। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान इन स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन अक्टूबर 2022। कौन सा मुल्क है जो डिफीट किया है पाकिस्तानी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में, तो वो मुल्क था इजिप्ट, यानी कि मिस्र ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान। कौन जो चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के पाकिस्तान में, तो उसका करेक्ट आंसर है जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टर्म्ड विच नेशन एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने एक टर्म जो अनाउंस की है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खतरनाक कौम है, तो वो किस लिए किया है, तो उसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान को नामजद किया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो प्रीवियसली उन्होंने एक दिया था जो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर्स हैं वो पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं, तो हमारी सियासी और अस्करी ने उसका रिएक्शन दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। अभी करंट जो कैप्टन है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की, तो उनका क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मा मारूफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है करंट गवर्नर सिंध इज। अभी जो गवर्नर सिंध है अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो उनका नाम है कमरान तिशूरी, और इनका जो ताल्लुक है वो सियासी जमात MQM से है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु बिकेम्स फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड इन KP पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग। पहली खातून कौन सी है जो KP पुलिस में इन्वेस्टिगेशन विंग को में अपॉइंट हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है आयशा गुल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु बिकेम द फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ हब बलोचिस्तान। पहले डिप्टी कमिश्नर कौन बने हैं हब बलोचिस्तान के, तो इसका करेक्ट आंसर है जाहिद खान।
नेक्स्ट टाइम स्कूल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? 2022 के जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, तो पाकिस्तान का कौन सा रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है 87। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, हु इज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन यूके हिस्ट्री? कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूके हिस्ट्री में सबसे कम टेन्योर गुजारा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीज ट्रस। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, द 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ ओआईसी मेंबर स्टेट हेल्ड इन? जो 12वां सेशन हुआ है ओआईसी के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, तो वो कहां पे हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्तांबुल तुर्कीय में। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, अलोंग विद पाकिस्तान विच कंट्री इज रिमूव्ड फ्रॉम फेटिफ ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2022? पाकिस्तान को रिसेंटली जो अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से निकला है, तो उसके साथ और कौन सा मुल्क था? तो इसका करेक्ट आंसर है निकारागुआ। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज सिक्योर्ड हिज हिस्टोरिक डैश टर्म एज अ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर इन अक्टूबर 2022? जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो कितनी मरतबा सदर बन चुके हैं चाइना के? तो इसका करेक्ट आंसर है 3rd time। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फेटिफ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के करंट जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है टी राजा कुमार। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? अभी जो न्यू इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है एलफ क्रिस्टन। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब? अभी जो करंट सीईओ यूट्यूब के, उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुसान वुजसिकी की। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, विच टीम विन वुमेन एशिया कप 2022? 2022 का जो एशिया कप है वुमेन का, वो कौन सी टीम जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया ने, और ये 7वीं मरतबा टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, वुमेन एशिया कप 2022 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? जो 2022 के वुमेन एशिया कप है, तो ये किस मुल्क में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे 2022? वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 के थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोस्ट फॉर प्लेनेट। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, वर्ल्ड स्माइल डे इज ऑब्जर्व इन विच मंथ एवरी ईयर? वर्ल्ड स्माइल डे हर साल किस मंथ में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर में। नेक्स्ट टाइम स्कूल है, स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांति पाबो वन द नोबल प्राइज इन डैश? जो स्वीडिश साइंटिस्ट है स्वांति पाबो, इन्होंने नोबल प्राइज हासिल किया है, लेकिन किस फील्ड में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिसिन में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर्वक पहुंचती रहें। कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी पास पेपर, तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।